बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। मार्शल अनवर महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शमसारी साहब हैं पीटीआई से और मियां वहीद आलम साहब एमएनए फ्रॉम मुस्लिम लीग नून की बात। शमसारी, पीटीआई बड़ी खुश है कि ट्रंप रहना चाहिए, ये मैंने काफी लोगों से सुना भी और आ भी रहा है काफी अखबारों में, तजिए भी आ रहे हैं। वल्ला बल सवाल, क्योंकि आदतें दोनों की एक ही मिलती जुलती है, लोग कहते हैं कि इमरान साहब की भी और ट्रंप की भी। अब ये बताइए कि पाकिस्तान ने बड़ा रेस्क्यू किया अफगानिस्तान में उनके साथ मिलके, फिर इलेक्शन के दौरान ही आप देख रहे थे, क्योंकि आप सियासी लोग हैं तो आपसे कौन ज़्यादा जानता है, यहाँ उनको तजियाकार होता तो और तरह बात करता, लेकिन मैं तो सियासी लोगों से सिर्फ आप बखातम होता कि ज़ल्मे खलीलजाद ऐन उस वक्त पाकिस्तान आया, अला तीन प्यादा से बात की है, इसका मतलब कि वहाँ जो भी कोई पॉलिसियाँ चल रही हैं उसमें पाकिस्तान का रोल भी है, उसे रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो ट्रंप है ये पाकिस्तान के लिए, जितनी हम उसकी बातें मानते जा रहे हैं, एलिगेशन भी है कि वो कश्मीर का मसला कहता था हल कराऊंगा तो वो उल्टा हमारे गले पड़ गया, ये कैसा रहेगा कि आ गया या दूसरा है तो वो कैसा रहेगा? देखिए, बड़े वाजे मेरे ख्याल में ये ऐलान किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप आए या बाइडन आए, क्योंकि हमारे जो हमने किसी के ये पॉलिसीज को हम तो पाकिस्तान के जो बेहतर हमने वो पॉलिसी देखनी है। जहां तक आपने ज़ल्मे खलील साहब की बात की अफगानिस्तान, तो वो तो देखें ना, शुरू से हमारा स्टांस है कि वहां पे जब तक आप पीस टॉक्स या बैठ के बात नहीं करेंगे वहां पे जो अफगानिस्तान, क्योंकि हमें तो इफेक्ट करता है ना, हमारे तो साथ है, हम तो भुगत रहे हैं, हमने इतना भुगता है इतने साल, और हम बहुत इसको सिंसियरली चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो सेटल डाउन हो, वहां पर सही ऐसी प्रॉपर हुकूमत आ जाए जो उनके लिए भी बेहतर हो हमारे लिए भी हो। तो अगर वो आते हैं तो जारी बात है, क्योंकि हमारा उनमें उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर कोई इस बात में सिंसियर है तो पाकिस्तान बहुत सिंसियर है कि ये टॉक्स होने चाहिए। तो ये बात कहना कि जी हम ट्रंप को पसंद करते हैं या उसको जर्मनी को, मुझे तो अफसोस इस बात के, मैं ये कहती हूँ कि जो ट्रंप है ना उसने तो जो भी बातें वो करता है ना, दूसरे भी फर्क मुझे नहीं नजर आता उनके, जो डेमोक्रेट के जो बड़े वैसे सोफिस्टिकेटेड किस्म के लीडर्स हैं या इनमें असल जो अमेरिका का चेहरा है वो तो ट्रंप साहब ही हैं। और दूसरा आप देखें ना कि इतना बड़ा, यानी कि इतने अपने आप को ये ह्यूमन राइट्स की और ऐसी बात करते हैं, इतना आला कैंडिडेट था बर्नी सैंडर्स, कैसे उसको उन्होंने निकाल के बाहर निकाला। तो ये आपको अमेरिका का ट्रेंड बताता है कि वहां पे भी जो आप पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेसी है, वो अब इतने उसका जवाल है, आप देखें कि ये पावर के लिए और इतना उसमें पैसा और इतना कुछ इन्वॉल्व हो गया, इतना कुछ इन्वॉल्व हो गया कि अब सारी दुनिया क्वेश्चन कर रही है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसमें भी दूसरा ये कि उसमें भी वहां पे भी जो है ना, वहां पे बहुत ज्यादा डीप स्टेट जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट वो बहुत इन्वॉल्व है, चाहे वो ऊपर से, अभी मैं वो खबर पढ़ी थी कि बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ काफी कोई ऐसी एलिगेशन थी या जो भी था, तो उनको डीप स्टेट ने बिल्कुल दबा के रख दिया कि भाई वो सामने नहीं आनी चाहिए। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये जो था एक अच्छा, एक जमहूरी, एक बहुत आला एक अमल था और बहुत अच्छी चीज थी, अब विद एनी इसको पलूट कर दिया, बहुत पलूटेड हो गया, बहुत ज्यादा पलूटेड हो गया। बताइए आप मुझे, आप पीटीआई की पूछते हैं ना, पीटीआई से जी शमसारी बताइए, ये क्या कह रहे हैं कि आप तो मिडिल मैन आप बन गए? बस वो मिडिल मैन जो है ना, वो शायद इनको बहुत पसंद है, उनसे इनको बहुत ज्यादा, इन्होंने जो सारे फायदे उठाए, जाहिर बात है मिडिल मैन इनको ये चाहते ही है कि मिडिल मैन जरूर बीच में हो। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि बात यह कि बिल्कुल हमारा जो अफसोस की बात है, मैं खुद कहती हूँ कि हम जब ग्रो अप भी कर रहे थे हमेशा सुनते थे कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बैक बोन ऑफ अर कंट्री, और यहाँ पे बहुत ये हमारे में पोटेंशियल है। किसी ने किया सब, मैं आपको बता रही हूँ, हम सुनते थे, मैंने ये नहीं कहा कि डिक्लेयर हुई थी, हम सुनते यही थे जो लोग पड़े बात करते थे, सुनने के बाद में बहुत फर्क है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया कि ये मतलब है कि एक ये एक पोजिशन थी कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है इसका बैक बोन है, और उसके बगैर कुछ भी है, और हमारे पास बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल था बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि हमेशा लोग कहते थे कि आप पाकिस्तान में आए आपको हरावल नजर आती है, मैं अपने बचपन मतलब उसको यंग एज की बात कर रही हूँ, और इंडिया में जाए तो वहां पे आपको हालात और तरह के नजर आते हैं। ओवर द इयर्स जो भी गवर्नमेंट्स आई, मैंने जैसे आपको बताया, मेजर साहब के जमाने में 200 रुपए फ्लैट रेट था ट्यूबवेल का, ये तो करना पड़ेगा इनको सब, ये आप, मैंने यही कहा ना कि अभी आप देखें कि कुछ दिन चोरी लोग करते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने ये जो पावर टैरिफ वगैरह किया स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए और बिग इंडस्ट्री के लिए, तो अब इंशाल्लाह हो रही है ना उसमें ये हमारी बात हो गई। आप भी जिम्मेदारों का आवाज उठाए जाके, पीटीआई तो अलग है,
ये आपके फ्लैट रेट मुकर्रर कीजिए, फर्टिलाइजर इनको सस्ता होना चाहिए ताकि मुल्क खुद कफीर हो। और अपना और अहले खाना का नाज़रीन ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।